तो गाइस सबसे पहले अगर यहाँ पर हमें अपने फ़ोटो की आउटलाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड का रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो आप आउटलाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बैकग्राउंड रिमूव। जैसे कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव सर्च कर लेंगे, जो भी वेबसाइट हमारे पास सबसे पहले आएगी हमने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, जिस फ़ोटो का आप बैकग्राउंड रिमूव करके आप जिस पर आउटलाइन लगाना चाहते हो। मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद हमें यहाँ डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब हमें इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र से। क्रोम ब्राउज़र से बाहर आने के बाद हमें यहाँ पर अब पिक्सल लैब वाले एप्लीकेशन पर चले जाना है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। हमें इस वाले एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ से हम आउटलाइन लगाएंगे अपने फ़ोटो पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले वो इमेज इंपोर्ट करानी है जिस पर हम आउटलाइन लगाना चाहते हैं, जिस पर आपको आउटलाइन लगानी है। हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वही इमेज इंपोर्ट करानी है जो हमने वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया है। सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें उस फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ अपने उस इमेज पर जिसका मुझे आउटलाइन करना है। जिस फ़ोटो का वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसे क्रॉप कर लेना है। आप इसकी साइड जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोटो को उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर करके डन कर लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे जिस तरह भी आपको सही, जितना भी आपके स्क्रीन पर जैसा भी फ़ोटो है आपको उसे यहाँ पर मैनेज कर लेना है। यहाँ पर मैनेज करने के बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको वीडियो एंड तक देखनी है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्ट्रोक का, जिस पर आपको एरो का निशान दिखेगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है। जैसे ही हम इसे इनेबल कर लेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करना है, जिस कलर की भी आप आउटलाइन रखना चाहते हो वो कलर हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। कलर यहाँ से क्लिक करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ, और उसकी आपको स्ट्रोक विड्थ जो है आपको ज़्यादा मोटी लाइन रखनी है या आपको पतली लाइन रखनी है, उसका साइज़ आपको यहाँ से मैनेज खुद कर लेना है। आप बड़ी भी कर सकते हैं, छोटा भी साइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जितना भी मुझे अपने फ़ोटो का सही लगेगा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप इस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वाइट से ब्लैक करना चाहते हो, येलो करना चाहते हो, रेड करना चाहते हो, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आना होगा। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर लेना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से, जैसे मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अगर आपको इसकी लाइन वाइट करनी है, अगर आपको इसकी आउटलाइन वाइट करनी है या किसी और कलर की करनी है तो आप फिर से कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी लाइन को थोड़ा बोल्ड करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको इसकी विड्थ को बढ़ा लेना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में 3 डॉट्स दिख जाएंगी। हमें 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इसकी आउटलाइन वाइट कर दी है। 3 लाइंस का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है 3 डॉट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सपोर्ट इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा। हमें यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज कर लेना है। जैसे हम एक्सपोर्ट इमेज करेंगे, सेव टू गैलरी करने के बाद ये इमेज हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी।